हेलो बच्चों, आप सबको टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल सर्व्ड असाइनमेंट बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन का आंसर है, असाइनमेंट का। तो इंडियन पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, कल ही इसका फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर अब आप लोगों को मिलेगा। तो बच्चों, आप लोग जो भी बच्चे अभी नए हैं, नए आए हैं आप अपने हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें चैनल को। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। और हाँ, कल का वीडियो, कल का जितना भी पार्ट डला था उसका सेकंड क्वेश्चन जल्द ही आप लोग को आज ही अपलोड होगा, जल्दी जल्द। और जिनका भी मेल आया है उनको भी मैं बता दूं कि उनका भी जल्दी से काम हो जाएगा, और काम चल रहा है उस पे, तो आप लोग पैनिक नहीं हो, टेंशन नहीं लीजिए। ओके बच्चों, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब। तो ये रहा आप लोगों को बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, EL फर्स्ट PS। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ओके बच्चों, तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए अब। और जो भी बच्चे अभी नए आ रहे हैं, प्लीज आप लोग बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक्स करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि आप लोगों को सेवा के लिए हर दम तत्पर रहे, हेल्प करने के लिए। ओके, तो आप लोग जानते ही हैं, लाइक्स करते हैं तो खुशी मिलती है, और फिर वीडियो बनाने के लिए उत्सुक करवाती है वो लाइक्स। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि लाइक्स करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में जो भी अभी तक नहीं जानते हैं चैनल के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 पेज का है, आराम से आप लोग 10-11 पेज में आप लोग लिख सकते हैं, चिपका के नहीं लिखना है, फैला करके लिखना है, खोल खोल के लिखना है आप लोग को, और बहुत अच्छा से हेडिंग देना देना है ताकि आप लोग को अच्छा नंबर मिले। ओके, ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो आप लोगों से मैं हरदम एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके घर में या आसपास में जो बच्चे हैं 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे हैं, तो उनका उनके लिए भी वीडियो है अपने चैनल पे, 9th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के NCERT मैथ का सॉल्यूशन का वीडियो है अपने चैनल पे। तो प्लीज आप उन लोगों को बताएं, और जो मैथ्स है, NCERT के मैथ्स है, वो इंग्लिश मीडियम में है बट समझाया गया है हिंदी में, बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताया गया है, उसमें पूरा मेथड के साथ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर का, तो बहुत अच्छा से समझाया गया, एकदम बेसिक तरीके से जैसे क्लास में लिया जाता है वैसे समझाया गया है। तो आप लोग प्लीज आप उन लोगों को फिर करें और उन लोगों को बताएं कि वो आएँ अपने चैनल पे और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स दें और आराम से देखें, पढ़ें बहुत इजीली। अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, तुरंत आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ओके, तो टैलेंट इंस्टीट्यूट आप लोगों का पूरा तत्पर रहेगा उन कमेंट्स को रिप्लाई देने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग के लिए भी है, जो बच्चे अभी कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे SSC 10+2 हो गया, CGL हो गया, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, DSSB, रेलवे, NTPC, CTET वगैरह जितना भी है, बैंक्स, इन इनके लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी है कंपटीशन लेवल की मैथ्स है, कंपटीशन लेवल की जनरल साइंस है, कंपटीशन लेवल की जनरल नॉलेज है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद आप लोग जरूर देखें वीडियो।
आप लोग से रिक्वेस्ट है और आप लोग पढ़ सकते हैं। जो कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो आप उन लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। आप लोग से ये विनती है, जब मैं आप लोगों को इतना हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोग भी करिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का जल्द ही मैथ्स आएगा अपने चैनल पे, तो इसीलिए अपने हमारे चैनल पे बने रहें, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ओके बच्चों, चलिए आराम से स्क्रॉल करता हूँ मैं, और वीडियो को पॉज करके लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद से स्क्रीन पे कहीं भी थोड़ा सा धीरे से टच करना है, एकदम साफ दिखने लगेगा और अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और एक आप लोगों से और मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हर दम चैनल अपने चैनल पे, कि अगर आप लोग कहीं भी कोई भी मजबूर व्यक्ति जो गरीब हैं, जो भूखा हैं, जो प्यासा हैं, उनको प्लीज़ आप लोग मदद करें, जो भी अपने अनुसार मदद कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो कुछ भी मदद कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार, तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। और कहीं भी आप लोग जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि किन्हीं को दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप लोग कहीं भी ऐसा लगे तो आप लोग बिल्कुल अनदेखा ना करें, उनको हेल्प करें, जो भी उस मुसीबत में हैं उनको हेल्प करें। ओके बच्चों, तो सेवा का भाव हरदम रखें, तो कोई भी दुर्घटना होने से रुक जाएगी अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो। अनदेखा नहीं करें अगर कुछ भी कोई भी दुर्व्यवहार करता है किसी से रोड पे, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं करिए, बहुत लोग आ जाते हैं मदद के लिए, आप लोग अकेले तो होगा नहीं, तो आप लोग आसपास के लोगों से बताएं कि वो जो भी है वो मजबूरी में है और वो लोग दुर्व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, तो आप लोग उनको बचाइए और दुर्घटना होने से रोकें। ओके, तो आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, आराम आराम से लिखते जाइए, वीडियो पॉज करना है और एकदम साफ साफ लिखना है, बिल्कुल क्लीन। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके बच्चे, तो यहीं पे लास्ट हो जाता है। और आप लोग इसको लिखिए, बहुत अच्छा से लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, फैला करके लिखिएगा, चिपका के बिल्कुल नहीं लिखना है आप लोगों को। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जितना भी लोगों को अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो टेंशन ना लें, मैं पूरा कोशिश में हूँ कि किसी का भी असाइनमेंट नहीं छूटे, क्योंकि मैं शुरू में ही वीडियो में बोला था कि कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे के लिए और कॉम्पिटिशन लेवल के लिए, तो आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, तो हंसते रहिए आप लोग और असाइनमेंट बनाते रहिए और देखते रहिए अपना चैनल टैलेंट इंस्टीट्यूट। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।